हेलो दोस्तों, कुकिंग लाइव श्वेता किचन में आपका वेलकम है। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बनाना कटोरी केक कैसे बनाया जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस केक को हम बिना ओन और बिना अंडे के बनाएंगे। कढ़ाई में बहुत ही बढ़िया बनेगा और यदि आपके पास घर में पका हुआ केला बच जाए तो उससे इस केक को बनाया जाता है। बहुत ही यम्मी बनता है और बच्चों के लिए खासकर बहुत ही हेल्दी होता है ये केक। और ये देखिए मैंने निकाल लिया कटोरी में से, आराम से निकल गया है। बहुत ही अच्छा पका है और बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखिए मैं आपको प्रेस करके दिखा रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट बना है केक और खाने में भी यमी लगता है। तो इसे मैं कट करके भी दिखाती हूँ आपको, बहुत ही बढ़िया बनता है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है केक, बहुत ही बढ़िया बना है। और यदि आपके पास भी बच जाए पका हुआ केला तो आप उससे इस केक को ज़रूर बनाना और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं बनाने। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है। पहले कढ़ाई को हम गर्म होने के लिए गैस पर रख देंगे, आँच को मीडियम रखेंगे। यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है और स्टैंड लगा देंगे। अभी ढक देते हैं, अब ये कढ़ाई गर्म हो जाएगी इस, और पहले हम बैटर को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने दो केले लिए हैं, ये बहुत अच्छे से पके हुए हैं। इनकी हम केक बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया केक बनती है। तो यहाँ पर मैंने मिक्सिंग बाउल लिया है, तो उसमें पहले केले को छील कर डाल लेंगे। आलू मैशर से भी आप मैश कर सकते हैं या चम्मच से कर सकते हैं। पहले हम सभी दोनों केलों को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। यहाँ पर 2 से 3 चम्मच मैंने दूध डाला है। दूध बिल्कुल नॉर्मल है, ना तो गर्म होना चाहिए ना ठंडा होना चाहिए। और यहाँ पर मैंने विस्कर से अच्छी तरह से मेल्ट कर लिया है दोनों चीज़ों को। और यहाँ पर इसी में हम ऐड करेंगे मैदा। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है, इसे हम छलनी से छान लेंगे साथ साथ। और यहाँ पर मैंने शुगर ली है पीसी हुई, ये भी आप 200-250 ग्राम लें, क्योंकि जितना मैदा होगा उतनी मैंने यहाँ पर शुगर ली है। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा लिया है। अब अच्छी तरह से छान लेंगे। ये देखिए छान लिया है। अब इसमें यहाँ पर मैंने 2 बूंद वनीला एसेंस के डाले हैं और यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है और बैटर को रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर 2 से 3 चम्मच दूध डाल दिया मैंने। अब बैटर अच्छे से रेडी है, तो इसमें हम यहाँ पर मैंने कलरफुल टूटी फ्रूटी ली है तो उनको डाल दूँगी, जिससे कि बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा केक का। अभी रेडी है बैटर। तो यहाँ पर मैं कटोरी लेती हूँ, कटोरी में इस केक को हम बनाएंगे। तो यहाँ पर ऑयल या ग्रीस कर लेंगे, ऑयल या घी से किसी से भी आप कटोरी पर लगा लें, अच्छी तरह से ग्रीस कर लें कटोरी को। आप बटर पेपर लगा दें, यदि बटर पेपर नहीं हो तो मैदा लें 1 चम्मच, वो डाल दें और अच्छी तरह से कोटिंग कर लें पूरी कटोरी की, उससे भी नहीं चिपकेगा केक, बहुत ही अच्छा बनेगा। बहुत ही बढ़िया केक बनता है। यदि आपके पास बचे हुए केले एक्स्ट्रा घर में बच जाए तो आप इस केक को बना सकते हैं, बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। तो देखिए अब इसमें बैटर डाल देंगे कटोरियों में, आधा ही फिल करेंगे हम कटोरी को ताकि जो केक फूले अच्छी तरह से तो ऊपर तक आए। कटोरियों में डाल लिया है, अभी हम गैस की तरफ चलते हैं। तो कढ़ाई गर्म है तो इसे हम बहुत ही केयरफुली रखेंगे कटोरियों को। और 15 मिनट तक हम पकने देंगे, बहुत ही अच्छे से 15 मिनट में केक बन जाता है। अभी ढक देंगे और 15 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। तो अभी 15 मिनट हो चुकी हैं, तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आया है। तो अंदर से भी हम चेक करते हैं कि केक अंदर से पका है।
तो ये देखिए यहाँ पर आप नाइफ से या स्टिक से किसी से भी चेक कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया कल अच्छा बना है केक, बिल्कुल अच्छे से पका हुआ है, तो इसको ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इसको हम निकालते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया केक बना है। अभी साइड साइड से हम नाइफ की सहायता से छुटा लेते हैं, कटोरी अच्छी तरह से निकल जाएगा आराम से। अभी प्लेट लेंगे और उसमें हम सर्व कर लेते हैं केक को। बहुत ही बढ़िया एकदम सॉफ्ट केक बना है, बहुत ही हेल्दी होता है बच्चों के लिए, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए प्रेस करने पर बहुत ही सॉफ्ट बना है और खाने में बहुत ही यमी था। ये देखिए मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ और बहुत ही बढ़िया एकदम सॉफ्ट केक बना है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।